कोतवाली देहात में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान इन लड़कों ने वीडियो वायरल करके माहौल बिगाड़ने की असफल कोशिश की थी, जिसकी शिकायत यूपी के डीजीपी से की गई थी। एसपी देहात विश्वजीत श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को बताया कि सोशल मीडिया पर माहौल को बिगाड़ने वाली एक वीडियो वायरल की गई थी। एसपी संजीव त्यागी ने इस वीडियो की जांच कोतवाली देहात के प्रभारी संजय कुमार धीर को सौंपी। जांच के दौरान ही पुलिस को पता चला कि ग्राम अकबराबाद से ये वीडियो वायरल की गई है। पुलिस ने दबिश देकर 3 दोस्तों को वीडियो बनाने और वायरल करने के जुर्म में उठा लिया। तीनों के खिलाफ कोतवाली देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने तीनों लड़कों के मोबाइल से वो क्लिप भी बरामद की है जो वायरल की गई थी। कितने लोग पकड़े गए, क्या पूरा मामला? देखा कि आप लोगों को जानकारी है कि कल शाम से एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक धर्म विशेष के प्रति कुछ आपत्तिजनक बातें की गई थी और जिससे कि दो धर्मों के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता था। और इसी से वीडियो जब वायरल हुआ तो थाने में जब इसकी सूचना प्राप्त हुई तो थाना इंचार्ज ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मुख्य व्यक्ति आदिल है जो अकबराबाद गांव का रहने वाला है। और इसके द्वारा ही इस तरह की बातें की जा रही है और उसके सहयोगी दो लोग अजीम और नदीम ये जो भी है जो कि साथ में सहयोग कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं और इन्होंने इसको वायरल करके एक तरीके से पूरी तरीके से जनपद बिजनौर का और आसपास क्षेत्रों का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। इस संबंध में इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में अपने पंजीकृत करने के लिए जेल दिया जाएगा।